हाँ जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विजन क्लासेस, ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जेट ICR BHU एग्जाम प्रिपरेशन। गाइस यार, आज टेस्ट होने जा रहा है 17वां टेस्ट। पहले 16 टेस्ट अपन ने कर लिए हैं, वैसे पहले 50 टेस्ट कर लिए हैं लगभग अपन ने, 50 से प्लस यानी कि 51 प्लस अपन ने, 50 प्लस जो क्वेश्चन है टोटल अब तक अपन ने 2-3 महीनों के अंदर किए हैं। डेली रेगुलर टेस्ट है और मंडे टू फ्राइडे होता है, बट आज सैटरडे को भी मेरी तरफ से स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन इसलिए कि यार अब है ना, एक क्वेश्चन ऐसा है आज मैं बताने वाला हूँ, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में तो मुझे कह देना कि यार साईं सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आपने कहा था आप झूठे हो और आपसे हम आज के बाद नहीं पढ़ेंगे, ना कोई आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा बताऊँगा जो कन्फर्मली आपके एग्ज़ाम में आएगा, और वो कौन सा क्वेश्चन होगा जो मैं अब बताने वाला हूँ आज, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, थोड़ा पुराना भी देखेंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, क्योंकि यार कुछ ढीठ स्टूडेंट भी है हमारे साथ जो पढ़ते नहीं है, और पढ़ाना हमारा फ़र्ज है, और उनको पढ़ाना पढ़ाने का जो जिम्मा है वो एक जिम्मेदारी है, वो हमने ले रखी है, और इस जिम्मेदारी के तहत हमको क्या हमारा फ़र्ज बनता है कि यार उन ढीठ स्टूडेंट को भी पढ़ाना पड़ता है। तो ओल्ड प्रीवियस जो हमने पढ़ा है कुछ भी पुराना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो मेरा पर्सनल सेशन है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कालूराम यादव, एम के मीणा हड़ौती, अंकित मीणा, आई एम द बेस्ट, है ना, सभी का स्वागत है भाई। साइंस विजन क्लासेस लेकर आ रहा है आपके लिए शानदार टेस्ट सीरीज और एक शानदार मॉक टेस्ट, आप जुड़ जाइए हमारे साथ, और जो भी नए स्टूडेंट है वो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं 3 मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूँ, मेरा वादा था कि 3 मॉक टेस्ट लाने हैं और एग्रीकल्चर के लेके आया हूँ। काफ़ी हद तक BHU के एग्ज़ाम के अंदर अपने क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे मिले हैं, और आई एम सो हैप्पी गाइज। कल अपन ने खाद के और उर्वरकों के बारे में पढ़ा था, और उनमें से भी एक क्वेश्चन पूरा वैसा का वैसा ही BHU के पेपर में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके पेपर के अंदर हूबहू वही क्वेश्चन आया जो कल शाम को अपन ने पढ़ा था, कल शाम के एक छोटे से मेरे सेशन में, जो मैंने पर्सनली आपको कहा था कि यार एयर कार्बनिक और उर्वरक और खाद वगैरह से भी कुछ पढ़ेंगे तो शाम को स्पेशल सेशन रखेंगे, और 8 बजे वाली क्लास का आया है, कन्फर्म आया है। तो खैर आज भी ऐसा ही करेंगे, जेट के अंदर एक पर्सन केवल एक क्वेश्चन वो पिक्स होगा जो आज अपन सॉल्व करेंगे। महामैराथन क्लास सर की होने वाली है, और उसके अंदर होगा क्या, कैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने हैं हमें आपको वो बताए जाएंगे, कैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन रखना है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को क्वेश्चन कैसे कहाँ से पुट अप होंगे, और मैं बायो के बताते रहता हूँ कि DNA को चाट लो, है ना, DNA को खा जाओ बिल्कुल, DNA वाले चैप्टर को खाना है, मेंडल वाले को, आवर्त सारणी वाले को थोड़ा देख लीजिएगा, है कि तो ये वाले 2-3 क्वेश्चन बायो के अंदर अलग से एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के अंदर आपको वो चैप्टर में बताऊंगा जिनसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और एग्रीकल्चर के तो मैंने कोई छोड़ा नहीं अभी तक, लेकिन जो छोड़ रखे हैं उनको मुझे बताया कि कैसे कवरअप करवाना है, थोड़ा ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, हाँ जी, ये जूम हो रहा है जो दिख रहा है, विजिट यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDF एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर PDF और नोट्स वगैरह सबके लिए, ये नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है, ज्वाइन हो जाना। पवन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा ही रहे हैं, सेशन चल ही रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी अच्छी स्टडी भी हो रही होगी, और मेरे को आशा है कि आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट की बात है तो लेकर आ ही रहे हैं भाई, मॉक टेस्ट बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, धन्यवाद साहब। नए स्टूडेंट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है। हाँ जी, आज का स्पेशल टॉपिक क्या है, तो स्पेशल टॉपिक गेहूं के ऊपर ही है, और गेहूं के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस इस प्रकार से हैं कि मध्य प्रदेश टॉप वीट कंट्रीब्यूटर, ये हेडलाइन दे रखी है, और इस हेडलाइन को आपको मानना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं कहीं से कुछ पढ़ रखा है, मैं मानता हूँ आपने पढ़ रखा है, सही पढ़ रखा है, बट अब जो पढ़ रहे हो वह भी फैक्चुअल है, और अब ये राइट है। प्रोडक्शन गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश अब प्रथम स्थान पर है भाई, खुशखबरी है, खुशखबरी MP वालों के लिए है। खैर राजस्थान वाले तो दुखी हैं कि हमारा तो प्रथम आया ही नहीं सर, अरे भले मानुसो आ जाएंगे आराम से, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र रखो, आराम से आएंगे, बोएंगे तब तो आएंगे। हाँ दिख रहा है मोंटी पवार जी, बिल्कुल वीट जो है वो मध्य प्रदेश यानी कि जो गेहूं के उत्पादन में MP प्रथम स्थान पर आ चुका है। वीट क्रॉप बॉटनिकल नेम सर क्या है इसका, तो टिट्रिकम, ठीक है,
क्या है ये, एकता जी ऐसा क्या कर दिया मैंने कि रिप्लाई नहीं कर रही हो, क्या बात है। अंकित मीणा जी, आप अगर यहाँ पर बात करने आए हो तो बढ़िया बात है, करते रहिए चैटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका देखते हैं कि थोड़ा क्या होता है, फैमिली देख लीजिए, फैमिली भी आप देख लीजिए कि सर क्या है, ग्रेमिनी है और पोएसी दोनों ही आते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर भी आप देख लो। हाँ, एक बार इसको देख लीजिए आराम से। अच्छा, अब कॉमन वीट को अपन एस्टाइवम भी कहते हैं, टिट्रिकम एस्टाइवम, ई ए एस टी आई वी यू एम, एस्टाइवम भी कहते हैं इस आज जो, ये एक है ना ब्रेड वीट, जिसे वो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है वो वाला, ठीक है। ओके भाई, कॉमन ब्रेड वीट के नाम अपन देखते हैं, एस्टाइवम कहते हैं, इस इज कॉल्ड एज द मैक्सिकन ड्रॉफ्ट वीट, ठीक है, ड्रॉफ्ट वीट कहते हैं। एम्बर वीट को टी डिकोक्यूम कहते हैं। वीट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि यार एक बात मैं कह देता हूँ, वीट के अंदर चेंजेस हुए हैं और इस चेंजेस के द्वारा अपन क्या कहते हैं, अपन सोचते हैं कि सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब एक बात बताना, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, टिड्डे वाला क्वेश्चन आया कि नहीं था बीएचयू के अंदर, वो टिड्डे वाला इसलिए आया था क्योंकि यार अभी कितनी खतरनाक वाली तबाही मचाई थी उन पाकिस्तान से आए हुए टिड्डियों ने, जो रेगिस्तानी टिड्डी थे, और टिड्डियों से क्वेश्चन आया है बीएचयू के अंदर। तो यार गाइज, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको लगता है सर करंट अफेयर्स से नहीं है, लेकिन मौजूदा हालातों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैं श्योर हूँ कि वीट से इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है, और एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। इस पीडीएफ के अंदर 5 स्लाइडें और हैं, उनको देख लेना, उसके अलावा कहीं देखने की जरूरत नहीं, ये इन चार पाँच में से हो जाएगा, ठीक है। कल जैसे उर्वरक वाले से हुआ था एक क्वेश्चन राइट, तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन सेम आएगा, ऐसा का ऐसा। सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडियन डिश उपमा, उपमा बनाए जाते हैं भाई, उपमा खाते रहते हैं ये लोग, और ये उसके लिए अच्छा है, ठीक है। इमर वीट इंडियन ड्राफ्ट वीट है, अपन ने पढ़ी लिया है। मार्कोनी वीट भी देख लीजिए, टिट्रिकम ड्यूरम, टिट्रिकम स्पेरो कॉक्यूम, इनकी थोड़ी ये बातें ध्यान रखना कि किस किस के काम आते हैं। ऐसे पूछेंगे कॉमन ब्रेड वीट की कौन सी प्रजाति है, और ये चारों दे देंगे, टी एस्टाइवम, टी डोकोकम, टी सेफेरोकम और टी ड्यूरम, ये चारों दे दिए, तो कौन सा आपका राइट होगा, तो टी एस्टाइवम राइट होगा। वहाँ पर ये डोरम वोरम उपमा वाला नहीं करना, उपमा बनाने के लिए कौन सा गेहूँ चाहिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, और कन्फर्मली क्वेश्चन आएगा। मेजोर फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ, अब गेहूँ के बारे में थोड़े से फैक्ट्स भी देख लेते हैं भाई। इन इंडिया इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड क्रॉप, वीट इज द सीतरी है बिल्कुल, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है ना। और ग्रेमिनेशन जो टाइप है वो हाइपोजियल है। द फ्लोवर पोजिशन ऑफ द वीट इज नॉन एज द हीड हेड एयर और स्पाइक। अब सुनो मेरी बात, मेरा है ना ये, मुझे पता है कि आप पीडीएफ पे ये चीज़ पढ़ लोगे, है ना, और मैंने इसके अंदर इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ दूँ दोस्तों तो आप एक बार देख लो इसको, है ना। फ्रूट टाइप ऑफ वीट इज द कारियोसिस, ठीक है। सोइंग टाइम जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर देख लीजिए, बोने वाने का टाइम देख लो, पहला सप्ताह नवंबर का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर द सेशन गाइज, अगर शेयर करोगे तो बड़े ऊपर चले जाओगे, मेरी एक दुआएं लगेगी आपको और कुछ नहीं। देखो, एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन, कौन कौन जो स्टेट है क्या क्या एरिया रखता है, कितने लाख हेक्टेयर रखता है वीट कल्टीवेशन के अंदर। पंजाब है 34.90 लाख हेक्टेयर, देखो एक क्वेश्चन हेक्टेयर से बनेगा कि सर्वाधिक होता है और कितना कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है, फिर सारे हेक्टेयर्स दे देंगे, 102, 103, 104 और 105, ऐसे बताना है कि सर 102 होता है। और एक और मैं बात बताता हूँ, ये नवीनतम रिपोर्ट है, कहीं अब आपके है ना नोट्स में कुछ और लिख रखा होगा ना, वहाँ पर मेरे से लड़ने मत बैठ जाना ग्रुप में कि सर ये क्या लिखा दिया, ये क्या बता दिया, तो सीधी बात है पहले उनको बता दूँ मैं कि ये नवीनतम रिपोर्ट है, कोई मैंने मन से यूँ नहीं लिख दिया, यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए, ठीक है। पंजाब और मध्य प्रदेश ये देख लो आप आराम से, धन्यवाद। परसेंटेज शेयर इन द एरिया प्रोडक्शन, जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के अंदर और उत्पादन के अंदर वो देख लो भाई, स्टेट मध्य प्रदेश का देख लो। अब आगे इसलिए तो आया है 33.27% आगे है, और जो पंजाब है कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, 33% है सर।
अगर अपन एरिया के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश 31 और पंजाब है 10.6 ही है, 10.6। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वीट का देखते हैं, मध्य प्रदेश कितने हेक्टेयर पे कहता है 32.98 प्रोडक्टिविटी है, पंजाब की इतनी है। लो जी, थैंक यू, हो गया ख़त्म मामला, जल्दी ही ख़त्म करना था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है ना कुछ नया सीखने के लिए नहीं आते, उनको तो केवल क्वेश्चन से मतलब होता है, और क्वेश्चन ही होता है जो सब कुछ मतलब। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर द रेगुलर अपडेट्स गाइज, अगर आप रेगुलर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो और अगर हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लो यार, कोई आपको कोई पकड़ के थोड़ी रख रहा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर टेस्ट वेस्ट होते रहते हैं, देते रहो, मस्त रहो, और क्या। हाँ जी, ऑल डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या करना है आपको। हाँ जी बिल्कुल चल रहा है, आराम से थम्स अप कर दो भाई गाइज, सभी को स्माइली देना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे चलेंगे। पता है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, पर मेरी मर्जी, मैं रखूँगा सेशन और लेंगे क्लास अच्छे से। थम्स अप कर दीजिए गाइस, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अपने कुछ पुराना देख लेते हैं, कुछ नया भी देखेंगे, है ना। गेहूं, चावल, मक्का, जो ज्वार का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको कि सर ये कहाँ से है, ये मतलब कौन से गांव से है, कौन से बगीचे से, कौन से रिजॉर्ट से है सर, ये भी बता दो मेरे को। गेहूं, चावल, मक्का, जो ज्वार जो है वो कहाँ से, उनकी ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन, हाँ जी भाई, ओरिजिन बताना है आपको फटाफट से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगाकर आप एक बार से धमाक से टाइप कर दीजिए, जिससे कि क्या है यार, एक फील बन जाती है कि यार एकदम जैसे एकदम ही किसी ने जवाब दे दिया हो ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का शुक्रिया, और जवाब देते रहिए, बिल्कुल जवाब तो देना ही है, क्योंकि मैं तो जवाब मांग रहा हूँ। देखो वीट का पता है, अच्छा वीट का नाम, जैसे बहुत सारे गेहूँ हैं, लेकिन अपन जब गेहूँ की बात करेंगे ना वनस्पतिक नाम की, तो अपन क्या कहेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम कहते ही हैं। अगर सर आप कुल का नाम बता दीजिए, अभी बताया था ग्रेमिनी और पोएसी है, हाँ जी अच्छा, अब अगर राइस के बारे में बात करें, पेडी के बारे में, चावल के बारे में, तो ओराइजा सेटाइवा इसका राइट है, ग्रेमिनी और पोएसी कुल का ही है सर ये भी, और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर आता है लगभग, आप जैसे आप कह रहे हो ना भारत और बर्मा, इंडो बर्मा जो भी है उसमें ही आता है। मेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मेज है जिसे अपन जिया मेज कहते हैं, और ग्रेमिनी पोएसी कुल ही है, देखो पांचों का ही ग्रेमिनी पोएसी कुल है, ठीक है। और बाजरे का भी यही है, गेहूं, चावल, मक्का, जो ज्वार और बाजरा जब अपन लेंगे तो ग्रेमिनी पोएसी कुल लगाकर आ जाइएगा अगर ऑप्शन में है, ठीक है। बाकी अगर आप बात करें जो की, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया, ज्वार और बाजरा दोनों अफ्रीका से है, बाजरा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। ये लो मिला लेना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बाजरे का है अफ्रीका, मूंग का है भारत, उड़द का भी भारत है, मोठ भारत, और अरहर का अफ्रीका व भारत, ठीक है। अब मुझे आप है ना, इन सब के बाजरा, मूंग, उड़द और मोठ अरहर के मुझे वो चाहिए, कुल कौन सा है इन सब का,
और मुझे लगता है कि आपको, चलो ठीक है, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, बट मैं वनस्पतिक नाम भी अगर आप लिखोगे तो दिस इज़ द वेरी सूटेबल गाइज, बहुत अच्छा रहेगा कि आप वनस्पतिक नाम के साथ कुल भी लिख दीजिए। बीटी लगाकर बॉटनिकल नेम सर, क्रम वाइज बता दीजिए, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th लगाकर उनका कुल का नाम लिख दीजिए। जैसे बाजरे का कुल मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं दोस्तों कि बाजरे का कुल कौन सा होगा, गेमिनी और पॉयसी होगा, मैंने बताया था अभी। मूंग का कौन सा होगा सर, मूंग का लेग्यूमिनेसी, बाकी सारे लेग्यूमिनेसी जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, मोट हो गया, अरहर भी हो गया, है ना, चावल, चावल भी हो गया, तिल हो गई, मूंगफली, सोयाबीन भी आता है, इधर चना भी देख लो, है ना, मूंगफली भी आती है, तिल, तिल नहीं आते, तिल आती है पेडिलियसी में आती है मैं भी, और अलसी जो लिलियसी में आती है। क्वेश्चन क्यूज होगा दोस्तों, पर ये भी करना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में सबसे कम गाय, भेड़, बकरी व कुल जानवरों की संख्या किस जिले में है? ये रिक्तस्थान की पूर्ति वाला सेशन है, एक बार थम्सअप कर दो फिर इसका जवाब दे दो फटाफट से आज। अरे वो सेशन भी रखेंगे यार, तुम लोग तो है ना, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते हो, वैसे हो, आराम से रुको तो सही, आराम से थोड़ा धैर्य रखो, इतने जल्दबाजी अच्छी नहीं है। ठीक है सी, सबसे कम बताना है ऊँटों की संख्या, भैंस की संख्या और मुर्गियों की संख्या, तीनों की बतानी है। क्या बतानी है, सबसे कम बतानी है इनकी, ऊँटों की, भैंसों की और मुर्गियों की। फिर राजस्थान में कम पशु घनत्व वाला प्रतिवर्ग किलोमीटर वाला जो है वो जिला बताना है आपको। राजस्थान में सबसे कम गाय, भैंस, बकरी व कुल जानवरों की संख्या आपको बतानी है गाइस, ठीक है, देख लो भी मिला लो कि जो धौलपुर है, ऊँटों की संख्या झालावाड़ और भैंस की जैसलमेर, मुर्गियों का दौसा है भाई, सबसे कम जो मुर्गियां पाई जाती है दोस्तों वो दौसा हो गया, और राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व प्रति किलोमीटर जो है वो जैसलमेर में है भाई। हम भी ठीक ही हैं, बदन सिंह जी ठीक है, हम भी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति पशुधन सबसे अधिक कहाँ है इसको भी देखते हैं, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक जो है वो जैसलमेर, और सबसे कम है कोटा जिले में जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, ये जनसंख्या के हिसाब से। राजस्थान में पशु चिकित्सा का और विश्वविद्यालय वो बीकानेर में है, और डेयरी विज्ञान महाविद्यालय वो है उदयपुर में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट स्टार्टेड है गाइस, ये लो आपकी जो ख्वाहिश थी और आपकी जो आरजू थी उसको ध्यान में रखते हुए, लो देव जी निम्न में से गुच्छे वाली जो ब्रांच टाइप मूंगफली की किस्म है वो बतानी है। आपको बताना है मूंगफली की किस्में, गुच्छे वाली, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से गुच्छे वाली किस्म मूंगफली की किस्म है बताना है यहाँ पर, ये भी वही है थोड़ा सा, इसमें भी बतानी है हाइब्रिड किस्म होगी और कौन सी किस्म होगी। बिल्कुल
यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, टाइमर थोड़ी स्टार्ट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों, गलत कथन का चयन करना है। चार क्वेश्चनों का एक ही समावेश है ये, तो कृपया आपको बताना है कि कौन सा कथन निम्न में से गलत होगा। जो डी ऑप्शन है, एनपीवी का उपयोग जैविक खेती में प्रतिबंधित है, ये यहाँ पर गलत कथन है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों, बताना है आपको ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। यार गाइस फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि जल्दी सेशन को ख़त्म करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ शेयर द सेशन और जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, मीथेन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मीथेन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त जौ की किस्म कौन सी है। हाँ जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, RD 2552। ठीक है, जो बी ऑप्शन है दोस्तों राइट है। और जब जब जो जो स्टूडेंट हैं और जो जो महान हमारे जो साइंटिस्ट विद्यार्थी हैं उनका धन्यवाद बी ऑप्शन का चुनाव करने के लिए। और जो गलत जवाब कर रहे हैं उनके तो नंबर कट ही रहे हैं, और खैर उनके तो कटते ही रहेंगे नंबर। निम्न में से लवणीयता सहनशील फसल का उदाहरण क्या है। बात ये अच्छी है कि अब गलत नहीं करना किशन को, गाइज अभी यहाँ से सीख लीजिए, PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, नंबर नीचे स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ही हैं ये। फटाफट से जुड़ जाइए ना ग्रुप में, जो ग्रुप में जुड़ता है आपको। भाई ये बी का जो आंसर है वो तो आपको याद ही होगा, कल के एक पेपर के अंदर आया था। ठीक है, चारों ही है, सभी है उपयुक्त, सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिन जिन स्टूडेंट ने डी का चुनाव किया है और वो बिल्कुल राइट है जी। निम्न में से गाजर की कौन सी किस्म है, बताना है आपको। निम्न में से गाजर की कौन सी किस्म है, पूसा केसर है क्या। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, जिन जिन स्टूडेंट ने बी का चुनाव किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगली ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में लौकी यानी कि बोटल ग्राउट की किस्म बतानी है आपको, बॉटल ग्रोथ की किस्म बतानी है आपको, लौकी। अरे आवाज़ अच्छी है भाई, ठीक है आवाज़ अच्छी है। टेक्निकल टीम कृपया मॉडरेटर कर दो, वो क्या कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, निम्न में लौकी की किस्म है पूसा मेघदूत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वह फल कौन सा है जिसका छिलका कृमिनाशक, वमन रोधी नाशक और दस्त रोधी, क्रांतिवर्धक व तेलयुक्त होता है। अमरूद, मौसम्बी, संतरा व आम। सर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क किस में, आपके फ़ोन में नहीं है सर, हमारे फ़ोन में नहीं है।
हिंदुस्तानी चौधरी जी बताइएगा। ये भाई सी ऑप्शन राइट है, संतरा जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, हाँ भाई हाँ, आवाज़ अच्छी है, मान गए। अब क्या इतनी तारीफ में क्या हम क्या रुलाओगे क्या हमको? ठीक है ना, निम्न में से वह फल कौन सा है जिसका छिलका कृमिनाशक, वमन रोधी और इन सब का तेल युक्त होता है? भाई संतरा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सी जिन्होंने चुनाव किया है बिल्कुल करेक्ट चुनाव किया। निम्न में से लूसियन विडाई नामक वैज्ञानिक ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? बी ऑप्शन राइट, नीतरव वायुदापी वायुदाब मापी जो है इसका इन्होंने आविष्कार किया था, यही यंत्र बनाया था। राइट कर देते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, निम्न किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? थोड़ा फास्ट चलना है और फास्ट चलना है थोड़ा सा, ठीक है। आवाज़ अच्छी है, कौन है यार ये डिस्टर्ब कर रखा है? निम्न में से किस्मों, बार बार एक ही कमेंट नहीं करें कृपया यार, यहाँ पर आंसर देते रहिए और मजे लेते रहिए। निम्न में से किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है गाइस? यहाँ पर आपको जवाब देना था और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एम के मीणा हड़ौती, एकता डोटासरा, यू आर राइट गाइस। ठीक है, हंसा चौधरी और विजेंद्र सैनी, डी ऑप्शन राइट है। निम्न किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? जो द ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पूछा स्नोबॉल फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोंडी जी बाद में देखेंगे गलत कितने हुए और सही कितने हुए, अभी रैपिड फायर में चलने दीजिए। एक शानदार सा माहौल जो क्रिएट हुआ है उसे रोकेगा नहीं और आप भी फटाफट से जवाब देते रहिए। निम्न पशुओं में दुग्ध में सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? ये अपन ने पहले से सर्च किया था और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसको सही करते हुए ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर सबसे राइट आंसर है, मैंने कहा था। बट अब आप ध्यान रखिएगा कि किसी को लोक वोक नहीं करना है, यहाँ पर जो है वो डी जो द ऑप्शन है उसको प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, भेड़ के में ज़्यादा होता है। पहले अपन ने बी ऑप्शन का चुनाव किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर भी चेंज कर लेना। निम्न फसलों में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? और सोया प्रदेश किसे कहते हैं? ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करने वाले स्टूडेंट आ जाते हैं कभी कभी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इग्नोर कीजिए, धन्यवाद। एमपी, ओके राइट आंसर। या गाइस सोयाबीन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। निम्न फसलों में से सब किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। हाँ, उसकी लाइन चेंज होगी। निम्न में से रेशे वाली फसलें हैं, रेशे वाली फसलें बताना है और मुझे बी और सी में थोड़ा डाउट है। कपास, जूट और सनई, यहाँ पर ए का चुनाव जिन्होंने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, कपास, जूट और सनई जो है वो रेशे वाली क्रॉप्स है, ए ऑप्शन राइट है। और अगर पर और मैं अगर कैश क्रॉप की बात करूँ
थोड़ा डॉक्टर वाली राइटिंग आ रही है, इसको इग्नोर करिएगा, बट कैश, हाँ जी, कैश क्रॉप की बात करें तो कौन कौन सी कस्में हैं? चलो ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो आप, तो छोड़ो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कैश क्रॉप भी बता दो लगे हाथ, कैश क्रॉप भी जान लेते हैं, फटाफट करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैश क्रॉप कौन कौन सी है? तंबाकू वगैरह इन सब के बारे में लिखो भी सही। हमजा चौधरी, गन्ना कपास ही हो गया क्या? तंबाकू हुआ, दो चार तो बताओ आराम से भाई, ऐसी फसलें जो केवल पैसे कमाने के लिए बोते हैं लोग। थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गजब, धन्यवाद साहब। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक लोहा का प्रचुर स्रोत है? अच्छा, एक और बात है कि जो गेहूं के बारे में हमारी छोटी सी रिसर्च थी, उसे रिसर्च इसलिए कहेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक है, कुछ चेंजेस आया, चेंजेस आते ही आपको पता है नए क्वेश्चन बनाने के लिए तो ये परीक्षा वालों की तो होड़ रहती है। पेपर तो लगभग मुझे नहीं पता बना नहीं बना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन उस पेपर में ज़रूर आएगा, और पीडीएफ के अंदर मैंने वो पहले स्लाइड में डाल दी है। जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी देंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जानना है और उसको आराम से पढ़ लेना है, नोट डाउन ही कर लेना, जो सबसे बढ़िया काम रहेगा। दो मिनट का काम है, लिख लेना एक अलग तरीके से। ठीक है ना यार, ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है बिल्कुल, चलो ए ऑप्शन ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलाई और केला जो है, और एक लोहे का प्रचुर स्रोत है भाई, अगर आप बनाना के हिसाब से भी बोलते हैं ना कि आयरन सर ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अगर देखो तो भी बढ़िया है। इसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। यूरिया का सूत्र क्या है, ठीक है छोटे मोटे क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर पेपर हार्ड नहीं आए, और इधर इस जो एग्रीकल्चर का जो लेवल है, 10 क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एपीज कल्चर वगैरह, वैसे जो आए थे ना अभी बीएचयू में, एपीज कल्चर वाला पूछा था, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो आते ही है नॉर्मल वाले, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट हाँ, अब ये यूरिया और उर्वरक से ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनका प्रयोग किस स्टेट के अंदर, भारत के अंदर नहीं करते, तो सिक्किम वगैरह, सिक्किम में नहीं करते, सिक्किम वालों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, तुम्हारी करने जो कर लो जो, ऐसी बात उन्होंने कह दी थी, तो सिक्किम में नहीं करते। ठीक है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी है, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या पूछा गया है? अरे कुछ टाइम बाद ऐसा पेपर सेट करेंगे कि उससे ही मिला देंगे कुछ क्वेश्चन को आउट करवा देंगे, एक मॉक टेस्ट लेंगे, दो तीन मॉक टेस्ट लेंगे पेपर से तीन चार दिन पहले। कपास, चावल, मक्का, बिल्कुल राइट है साहब। फसलें कौन सी है बताना है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें, कपास, चावल, मक्का, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसमें संकर आम है? यार आम के बारे में मुझे पता है, और वो क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा था जो बीएचयू में आया था, आम्रपाली वो वाला क्वेश्चन था ना, नीलम वगैरह, वो आम वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा था, और हूबहू एग्जैक्ट 30 वही क्वेश्चन आया था। अगर अब एग्जैक्ट 30 वही क्वेश्चन आया था, और आपको पता है भी है, आगे चलते हैं, डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी फफूंदी नाशक दवा है, फंगीसाइड? अरे बदन सिंह जी तो मजे लेने आए आराम से, माहौल की नजाकत को देखते हुए उनको तो बस मजे लेने आए, कुछ स्टूडेंट आते हैं जैसे।
यार ये है ना कांक्रेज नहीं है, पर कांक्रेज जो है वो किसकी नस्ल है? किसकी नस्ल है भाई अगर नहीं है तो? अरे सर हमें क्वेश्चन तो दिखा दो। दिखा दो का क्या मतलब हुआ? दिखा तो दिया है। काऊ। बिल्कुल राइट आंसर है, धन्यवाद। हाँ आज के लिए ये इतना ही क्वेश्चन देते हैं भाई, ठीक है ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, और बाकी अगर बाद में अगर कल कर लेंगे क्वेश्चन, है ना? मैंने सोचा सेशन लंबा हो जाएगा और गेहूं के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देनी थी ना, तो मैंने इधर क्वेश्चन थोड़े से कम रखे थे, 20 21 क्वेश्चन ही रखे थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन और अपन करेंगे और वो कल करेंगे दोस्तों। किसी को कोई डिस्कशन नहीं हुआ है? अच्छा हाँ यार ये तो रही गया, कौन सी फफूंदी नाशक दवा है? अच्छा फंगीसाइड, ये डी ऑप्शन है, जिनेव। ठीक है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, इसका बताया नहीं था शायद, वो मैप से ना वो क्लिक हो गया उधर, तो इस हिसाब से। हाँ जी ये थोड़ा पेचीदा था आज का, मैं अच्छा एक चीज़ तो पूछना भूल ही गए, सरसों रह गई थी, सरसों के बारे में अपन ने कुछ नहीं किया था, और सरसों का जो क्या बताना है, उत्पत्ति उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, और सरसों का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, और वो कौन सा स्थान होगा सरसों का? बिल्कुल वही शिशु आ रहा है, आई थिंक वही शिशु तो नहीं आ चाहिए। ओके जी एशिया यहाँ पर बिल्कुल राइट है जी। बाकी सब ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अपन ने नए किए हैं, कुछ पुराने भी अपन ने देख लिए हैं, खैर कोशिश यही रहेगी कि हमेशा अपन अच्छे क्वेश्चन करें, है ना? कोशिश अच्छी रहेगी और कोशिश यही रहेगी कि हमेशा अच्छे क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन और अगर हाँ जी कल अपन बीएचयू का पेपर सॉल्व करना है क्या? एक मिनट, वो एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करना है कि बीएचयू का? कल करवाते हैं फिर, अगर आपकी अगर कोई देना चाहता है वो बीएचयू पेपर सॉल्व। बताइएगा पेपर सॉल्व 2020 वाला। अंकित मीणा जी फालतू बात नहीं करें,
हाँ जी अच्छा, अब सुनिए एक बात। अब अगर कोई ब्लॉक वाला स्टूडेंट पर्सनली मैसेज करके कहेंगे कि सर प्लीज़ मेरे को अनब्लॉक कर दो, तो अनब्लॉक नहीं होगा, खैर यही बात रहेगी, और अब आप कभी भी कमेंट नहीं कर पाओगे। तो सॉरी फॉर दैट गाइस, ये टेक्निकल टीम वाला काम आपको मैंने कहा था कि फालतू मैसेज फालतू बकवासबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर वो कोई बकवास करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर पढ़ने बैठे हैं और इतने अच्छी तरीके की स्टडी कर रहे हैं, और एक देखे तो फालतू बकवास किए जा रहे हैं यार। ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, पवन सर अगर बर्दाश्त करते होंगे जो मुझे नहीं पता, लेकिन फालतू बकवास अपन को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना कभी ऑफलाइन में करी है ना यहाँ पर होगी। ख़त्म करते हैं सेशन को यार, मूड ही ख़राब कर दिया। लो जी, सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए स्टूडेंट है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस, और वहाँ से आप बात कर सकते हो। जेट के मॉक टेस्ट अब बात करेंगे, और मैं ये सोच रहा था कि कुछ लास्ट के दिनों में जो वीक रहेगा ना, लास्ट वीक यानी 27 सितंबर 25-22 या 21-22 को एक दो टेस्ट रखेंगे, मॉक टेस्ट, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन नहीं रखेंगे, थोड़े 50-50 क्वेश्चन रखेंगे, और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वही आना। फालतू यहाँ पर यूँ मत कहना कि सर टेस्ट नहीं है क्या, वो नहीं है क्या, बाकी बातें बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और तो ठीक है ना, फिर देखते हैं। और मैं ये कह रहा था कि फिर कल सेशन रखते हैं कल। अच्छा, ये कौन कह रहा था सर, ये 50 क्वेश्चन बिल्कुल रखेंगे, हिंदुस्तान चौधरी जी, बिल्कुल 50 क्वेश्चन रखेंगे। बीएचयू का सोल्व कल, बीएचयू वाला सोल्व करवा के एक बार रफा दफा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनली भी बोल रहे थे, और मैंने उनको वहीं पर जवाब दे दिया था जब उनको कोई क्वेश्चन का थोड़ा फॉल्ट वगैरह था। तो बट बीएचयू का जो पेपर है वो कल, टुमारो 12 PM, वो जो मॉर्निंग का जो है ना, 12 बजे कल दिन के अंदर आराम से करेंगे, दिन में बैठेंगे चाय वाय पियेंगे आराम से, पीते हुए काम करेंगे, 12 से लगभग एक घंटे में तो हो ही जाएगा ये, है ना। 12 से बैठेंगे तो 1 बजे तक, 1 PM तक काम करेंगे ये पूरा, और पूरा एनालिसिस करेंगे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और वो चैप्टर भी नोट करेंगे, जेट के अंदर कहाँ से आएगा इसका भी अपन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे बायोलॉजी के, जहाँ से प्रतिवर्ष एक जैसे क्वेश्चन ही बन रहे हैं, आप अगर उनको एनालाइज करो ना कि सही तरीके से उन्हें देखो, तो डीएनए वाले चैप्टर, मेंडल वाला चैप्टर, दूसरे जो चैप्टर हुए हैं, बायो का भी रखेंगे बिल्कुल, है ना, बायो का भी रखेंगे। बायो का कल थोड़ा शाम को रख, 8 बजे ही होगा, हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा फ्रेमवर्क करना पड़ता है, फिर एजी का भी तो लेना है अगर आपको। भाई यार एक बात, मेरी बात सुनो, एक तो है ना टेस्ट बीएचयू वाला कराना है, दूसरी बात है कि आपको एजी वाला टेस्ट देना है, एजी वाला टेस्ट के बाद फिर बायो का भी लेना है, तो कल 3 टेस्ट तो अपने रहेंगे ही रहेंगे। अप्रोच क्या रहेगी, 3 टेस्ट की, तो बीएचयू तो एक हो गया, वो तो चलो ठीक है, फिर एक एजी, एक फिर एजी, और फिर एक बायो, ठीक है। ICR के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन अलग रखेंगे, क्योंकि थोड़ा लेवल आता है ICR का, तो ICR का सिलू सगनर जी, बिल्कुल ICR का भी लिखेंगे। ऑफलाइन कोचिंग है, बिल्कुल है, एड्रेस आपको, ये जो नंबर आपको हर PDF के अंदर जो नंबर थे उनसे एक बार बात कर लेना, ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी ले लेना एडमिशन। आप ICR के लिए ज़रूर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। केमिस्ट्री के लिए पवन सर आपको क्या करवाएंगे जो मैं बता देता हूँ, और उन्होंने मुझे बोला था कि ये चीज़ उनके बोल दीजिएगा। देखो कल जो सेशन होगा उसके अंदर जो टॉपिक होगा, टॉपिक उससे बने क्वेश्चन,
पुराने पेपरों में, वो करेंगे सोल्व। और वैसे ही क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जैसे जो टॉपिक के अंदर पुराने पेपरों में क्वेश्चन आया है और उसी की प्रजाति के पेपर, उसी की प्रजाति के जो क्वेश्चन है वो आपको पवन सर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और किस प्रकार से पेपर को देना है ये भी आपको पवन सर बताएंगे। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, बट वो भी आपको पवन सर करवा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं शानदार सेशन के दिन, और खाना वाना खा लो आराम से, आराम से खाना वाना खाइए, चाय वाय पीजिए, आराम से मस्त रहिए। टेंशन वेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का, जो नोट्स हैं उनको देखिएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसके अंदर क्विज करवाते हैं, आदित्य स्टडी एजी, और स्टडी एजी कौन, अच्छा जितेंद्र करवाता है एक, तो संदीप यादव करवाते हैं। तो ये दो तीन स्टूडेंट है जो क्विज करवाते रहते हैं, बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है, क्विज भी देते रहिए, थोड़ा उनसे भी क्या क्वेश्चन पुटअप करने की एक जो एबिलिटी है वो डेवलपमेंट होता है उससे, अच्छी बात है। ये टेलीग्राम का मुझे ये ऑप्शन बहुत पसंद आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये क्लास को एंड करते हैं, ठीक है गाइस। साइंस विजन क्लासेस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जेट एस आर बीएचयू एग्जाम प्रिपरेशन, और हम आपके लिए लेकर आते हैं टेस्ट सीरीज़। यार टेस्ट सीरीज़ के लिए अपना चैनल फेमस हुआ है और इसे फेमस भी करवाना है, और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट क्या है जो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार और अपने फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन उठाना है और वहाँ से आपको क्या कराना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे और अच्छा ग्रो तो चैनल, बस यही हमारी एक आशा रहती है आप सब से कि यार ये इतना सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुड नाइट जितेंद्र। आदित्य जी आज लेट आए हैं और वो रोने की फिराक में, तो आराम से आप लेट आने वालों के तो देखो अब रोना ही है, रोना ही पाती आएगा और क्या पाती आएगा। तो खैर यार क्लास को ख़त्म करने का कभी कभी क्या है कि मन नहीं करता, बट क्या है कि टेस्ट पूरा हो चुका है और आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बस वही वाली बात है, ख़त्म करना चाहते। तो थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल अच्छा और अच्छे क्वेश्चन का करने का प्रयास करेंगे, ठीक है कल। ओके, फिर मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ। थैंक यू।